समालखा में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने अपने समर्थकों से मुलाकात की। आपको बता दें कि हाल ही में विधायक धर्म सिंह छोक्कर के घर और ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी की गई थी। तो वहीं जनता टीवी से खास बातचीत में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने कहा कि आईटी विभाग की छापेमारी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सारा काम ऑन रिकॉर्ड है। धर्म सिंह छोक्कर आज समालखा में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे हैं। लगभग 60 घंटे से ऊपर आईटी की जो कार्रवाई उनके आवास, पेट्रोल पंप और कार्यालय पर की गई थी, उनके बारे में आज विधायक धर्म सिंह छोक्कर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। छोक्कर साहब, ये जो आईटी की कार्रवाई की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना? आईटी की जो कार्रवाई की है, देखो, आईटी की कार्रवाई करना उनका जिम्मेवारी बनती है। जैसे इनकम टैक्स की कोई इंक्वायरी आई, हमने उसको बिल्कुल, मैं चंडीगढ़ था, जैसे पर मैसेज आया, मैं तुरंत मैंने जाके इन्वेस्टिगेशन प्लान किया और सारी जो बातें थी उनसे सी। लेकिन जहाँ तक बात ये अखबारों के माध्यम से मैंने सुनी है, टीवी के माध्यम से मैंने सुनी है, जो झूठी बातें सारी ये अफवाहें, मैं तो नहीं कह रहा, इनकम टैक्स भी नहीं कर बता रहा, हमने कोई प्रेस रिलीज नहीं किया, वो भी कर प्रेस, जो हवाई बातें जो चली हैं गलत की है। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टिंग बात है, हम कोई बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, हम जो डिपार्टमेंट कोई भी एजेंसी पर मुझे जांच बुलाए, कभी हमारा फर्ज बनता है उसको फेस करें और उसको उसका आस पास अच्छे से जवाब दें। हमने जवाब दिया है, बिजनेस का हमारा कोई भी चीज़, हमारे मेरे बेटों की नाम कोई रहे ना, अगर उनके पास कोई होता तो आप तक प्रेस रिलीज कर देते। आया प्रेस का नोट आपके पास ना, उसका आईटी का डिपार्टमेंट का प्रेस नोट आया, कोई मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। एक रुपया दिखा दो, 1 रुपीज अगर है तो 1 रुपीज दिखाओ, 1 रुपया कहीं से मिला हो? बना दिया मैं तो बड़ा अंबानी भाई साहब का भगवान की जबान फड़े मैं सब। हमारे साथ कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन पे आईटी की टीम का, उनकी जांच का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और साफ सुथरे तरीके से वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में समर्थक पूरे जोश से उनका स्वागत करने के लिए उनकी कोठी पर पहुंचे हैं। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा।